हेलो एंड वेलकम बैक। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि वास्तविकता से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वास्तविकता को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। उसी तरह से जो भी कुछ आपको दिखाई देता है आज के माहौल में, वो काफ़ी हद तक 99.99% जो है गलत चीज़ें आपके सामने दिखाई जाती है, बताई जाती है, सुनाई जाती है, और आप रेडीली उस पर विश्वास कर लेते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही होती है। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारी देश और दुनिया से रिलेटेड जानकारी दी है, लेकिन कुछ जो है अंधभक्त, कुछ मूर्ख लोगों का जो है मुंह बंद करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है, तो मुझे उसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी वास्तविकता को बताने के लिए। आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है, एज आई टोल्ड यू कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सच में लड़ना है तो आपको पढ़ाई लिखाई की जो ताकत जो है वो आपको लड़वा सकती है, वो आपको बना सकती है, वही आपको आपका कल्याण कर सकती है, यू नो, तो वही हमें करना है। और मुझे लगता है कि हमारी युवा सोच की आवश्यकता हमारे देश को सबसे ज़्यादा आज के टाइम में, क्योंकि कोरोना काल में हमने सरकार को देख लिया कि सरकार ने हमारे साथ में क्या किया है और कितने किस हद तक सरकार ने जो है हमारे साथ में नौटंकी की है, तो ये हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें बेहतर देश की ज़रूरत है और हमें जनता की ज़रूरत है, जो हमें हमारी कदम से कदम मिला के हमारे साथ चल सके। और ऊट पटांग उल्टे पुल्टे लोग जो जिनको अकल का पता नहीं है, जिनकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, एकदम शाणे लोग जिनको बोलते ओवर स्मार्ट लोग, उनसे बचे। इस तरह के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ की जो फेक खबरें, उनसे बचे और कोशिश करें अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनाने की, अपने आप को जो है टैलेंटेड बनाने की कोशिश करें। और क्योंकि यही जो है एकमात्र उपचार है ऐसे लोगों से बचने का और ऐसे लोगों के फालतू के बेहुदा सवालों के जवाब देने का। तो मैंने भी कुछ रिसर्च की है जो आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगी। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बिहार में जो है कोरोना के 35,000 मामले जो है सामने आए हैं, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल्स की हालत जो है बस से बदतर है, मतलब मरीज़ जो है जाके इतनी बदबू और इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं, बिस्तरों पे खटमल है। और नालंदा मेडिकल कॉलेज, जिसका हम बहुत नाम सुनते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, तो नालंदा मेडिकल कॉलेज में बताया गया है कि डॉक्टर्स भाग गए हैं, नर्सेज हैं नहीं। डॉक्टर क्यों भाग गए हैं, नर्सेज क्यों नहीं है, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। उसके बाद भी शाहनवाज हुसैन जो हमारे बीजेपी के नेता दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं, ये बता रहे कि बिहार के लिए तालियां बजाना चाहिए क्योंकि बिहार कोरोना से लड़ रहा है। जब बिहार कोरोना से लड़ रहा है तो फिर बिहार में कोरोना फैल कैसे रहा है? मरीजों का मानना है कि जब तक आपकी जान पहचान बड़े लेवल पे नहीं है, जब तक आपके बड़े लेवल पे आपका सर्कल नहीं है, आपकी जान पहचान कोई नेता वेता से नहीं है, तब तक आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल में आपकी एडमिशन बहुत मुश्किल हो जाती है, हॉस्पिटल में आपको लिया नहीं जाता, आपको बेड नहीं दिया जाता है, आपको ठीक से खाना नहीं दिया जाता है, आपको एकदम कचरा खाना दिया जाता है जिसमें कॉकरोच और चूहे दिखाई दे रहे हैं हर जगह पे। तो ऐसे मरीजों का मानना है और मरीजों का कहना है, बहुत सारे मरीजों का मैंने देखा था। और मुख्यमंत्री जो है हमारे नीतीश कुमार जी, वो तो दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं कि वो कोरोना के बारे में किसी भी तरह की बैठक बुला सकें या जानकारी इकट्ठा कर सकें। जनता दल के नेता हैं तो भगवान भरोसे चल रहा है। मेरे ख्याल से वो 7 अगस्त की रैली में कुछ ज़्यादा ही मशगूल हो गए हैं। 7 अगस्त की रैली का इस तरह से जो है उन्होंने तैयारी करनी है कि उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा होगा कि वो रैली जैसी कोई चीज़ कर सके। हालांकि ये मैटर तो सोचने लायक है, काफ़ी गंभीर विषय है बिहार की जनता के लिए। और बिहार की जनता ही क्यों, मतलब मुझे लगता है कि टेस्टिंग जो है वो काफ़ी कम हो रही है हर जगह पे। कोरोना का यही हाल है क्योंकि कोरोना एक संक्रमण वाली बीमारी है, छूने से फैलने वाली बीमारी है। सब जगह कोरोना काल में यही स्थिति है, यही है कि बस कहीं पे टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो पकड़ में आ रहा है। जब यूपी में टेस्टिंग ही रोक दी है तो पकड़ में नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि यूपी के आगरा का हाल जो है बॉम्बे और दिल्ली से भी बेकार हाल जो है हो गया है। झारखंड में वही हाल है, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। और पहले माता की मौत होती है और फिर लगातार कोरोना के चलते जो है चारों बच्चों की भी मौत हो जाती है। और संक्रमण जो है वो हमारे देश में जो है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हमारे देश में लॉकडाउन तब खुल गया है जब हमारे देश में संक्रमण सबसे ज़्यादा है, जबकि दूसरे देशों में लॉकडाउन तब खुला है जब उन्होंने कोरोना पे मात पा ली है या कोरोना चला गया है, तब जाके उन्होंने लॉकडाउन खोला है। हमने एकदम हाई पीक वाले संक्रमण के टाइम पर हमने जो है लॉकडाउन खोल दिया है और इसके चलते जो है अब
होटल्स जो है कोरोना पैकेजेस दे रहे हैं। होटल्स में ऐसा है कि आप रहिए 30-40 हज़ार पर डे का आपको बिल आएगा, आपको नर्सेज डॉक्टर्स भी वहीं पे आएंगे और जो भी आपको एंटीबॉडीज देनी है वहीं पे दी जाएगी, आपको बिल्कुल 2-4 लोग आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे और आप एक बिल्कुल खुशनुमा जो है हॉलीडे का अनुभव आप कर सकते हैं। इस तरह से हमारे देश में जो है हॉलीडे पैकेजेस जो है होटलों ने अपने धंधे चालू कर दिए, क्योंकि मालूम है सरकार की तरफ से तो कुछ आने वाला है नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं और तो दूसरे आउट स्टेशन पर जाके लोग आउटिंग करने से रहे, सब जगह इतनी ज़्यादा मारामारी चल रही है खाने पीने से लेके और अस्पतालों से लेके, लोगों की तो हालत ख़राब है। तो सोचते हैं कि हॉस्पिटल्स में इतना भारी भरकम 1.5-2 लाख रुपए का बिल भरने से अच्छा है कि 20-30 हज़ार होटल में ही दे दिए जाए, और होटल ही जो है अब बिज़नेस का ज़रिया बन गए हैं और कोरोना काल में जो है एक इस तरह की चीज़ जो है काफ़ी निंदनीय है। ऐसा किसी और देश में तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे जो हो रहा है। मतलब सरकार ने ना कोरोना की दवाई बांटी है, मतलब सारे के सारा मैनेजमेंट ही खराब है ना, मास्क बांटे हैं ना, कोरोना की दवाई बांटी है ना ही कोई, मतलब जो चावल दाल ये बांट रहे हैं, जो चावल और चना सॉरी ये बांट रहे हैं, ये भी खराब क्वालिटी के हैं, एकदम घटिया क्वालिटी के। मैंने कुछ लेडीज़ के इंटरव्यूज देखे, कुछ बातचीत करी है, लेडीज़ जो हाउस वाइफ्स है बता रही है कि चावल भी खराब है, चना भी खराब है, सब खराब है, सब क्वालिटी जीरो, नील बटे सन्नाटा है और ऐसा अनाज तो हम खा ही नहीं सकते, हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं है, और इस तरह की जो बातें सामने आ रही है। उसमें देखा जाता है कि पुलिस जो है कोरोना काल में भी अपने एडवेंचर्स दिखा रही है, क्योंकि पुलिस को एक मशीनरी की तरह यूज़ किया जा रहा है, पुलिस भी अपने एडवेंचर दिखा रही है कोरोना काल में। और कोरोना काल में पुलिस जो है मास्क नहीं पहनने पे 200-500 हज़ार और अभी तो मैंने सुना है 1 लाख तक का भी जुर्माना लग रहा है पब्लिक प्लेसेस पे मास्क नहीं पहनने से। वैसे भी अगर अपनी गाड़ी में भी अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको अगर मास्क नहीं पहना है तो 200-500 हज़ार के हिसाब से आपको जो है जुर्माना लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक की तरफ से जो है पुलिस को एक्स्ट्रा फंडिंग है जो सरकार के पास जा रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी जा रही है, आई डोंट नो पुलिस का कितना उसमें शेयर है, लेकिन पुलिस ने ये एडवेंचर्स नए एडवेंचर्स जो है नई जो है चालूगिरी जो है जनता को परेशान करने के लिए कर ली है। शर्म आनी चाहिए ऐसी फालतूगिरी पे, ऐसे फालतू एडवेंचर्स पे शर्म आनी चाहिए हमारी देश की सरकार को और जनता को। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी भी मुझसे नाराज़ होंगे, होते हैं तो होते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी रिसर्च एकदम तगड़ी करके आई हूँ, मैं आपको सारी बातें बताकर यहां से जाने वाली हूं। तो ये बात है। अब यूपी की बात हम देखें तो यूपी में भी ऐसे ही माहौल है, आपको पता है कि यूपी में किस तरह का माहौल चल रहा है। विक्रम जोशी जो है एक पत्रकार है, उनकी भांजी पे जो है गुंडे काफ़ी परेशान कर रहे थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाई तो उनकी पुलिस ने बिल्कुल बात सुनी नहीं। विक्रम जोशी एक पत्रकार है, सो जो पत्रकार है, और बाद में उनको गोली मार दी गई। एक दिन अपनी बेटी को लेके जा रहे थे वो, तो विक्रम जोशी की बेटी को और उनको गोली मार दी गई यानी पासेस अवे, और पुलिस फिर भी निष्क्रिय है, पुलिस इनएक्टिव है। इतने पब्लिक प्लेस पर उनको जो गोली मार दी गई है उसके बाद भी पुलिस जो है पूरी तरह से निष्क्रिय है, पुलिस जो है पूरी तरह से जो है काम करने को तैयार नहीं है और इनएक्टिव है ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे। हम देखते हैं कि एक माँ बेटी ने लोक भवन के पास में अपने आप को जला लिया था और वो भी उस केस में भी जो है पुलिस इनएक्टिव थी। और यूपी में जो कोरोना के केसेस है वो टेस्टिंग ही योगी सरकार ने बंद कर दिए सुनने में आ रहा है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश, चेन्नई, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, सब जगह यही माहौल है, मतलब सब जगह यही कोरोना के चलते इसी तरह की चीज़ें सामने आ रही है। कहीं पर भी ऐसे कंट्रोलिंग नहीं हो रही है। केरला में एक जगह कंट्रोल हुआ तो वहाँ पर भी जो है सरकार को रास नहीं आया, जबकि केरला सरकार को जो है 102 करोड़ का जो है बिल थमा दिया हवाई जहाज इस्तेमाल करने के लिए। वो भी जो है सरकार को उनकी जीत जो है कोरोना से, पढ़े लिखे लोगों की जीत जो है किसी को हजम नहीं होती। मेरे ख्याल से इस तरह का जो है दकियानुसी सोच जो है वो बढ़ती जा रही है, पहले भी कुछ कम नहीं थी हालांकि अब तो और ज़्यादा बढ़ रही है। यूपी में तो एक तरह से गुंडा राज हो गया है, पूरी तरह से गुंडा राज हो गया है, मतलब एनकाउंटर, बलात्कार, यू नेम इट, और जो भी है लेडीज़ पे अत्याचार जो है, मार पिटाई, रेप के केसेस, एनकाउंटर, फर्जीवाड़ा, नौकरी, कभी अनामिका, मोनिका, दीप्ति, ऐसी मतलब एक नाम से इतनी लड़कियां सामने आ रही है। कौन लड़कियां थी, क्या लड़कियां थी, उनके क्या संबंध थे राजनेताओं से या ऑफिसर्स से, ये भी समझने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा हुए बिना इस तरह से एक लड़की जो है 3-3 जगह पे दीप्ति, मोनिका और अनामिका बनके जो काम कर रही है, तो ये बहुत ही मतलब असंभव सी बात लगती है। खैर अंदर की बात तो
अंदर की पार्टी जानेगी, हमारा काम है कि आप तक जागरूकता फैलाना, वास्तविकता को आप तक पहुंचाना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यूपी में जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, विक्रम जोशी का इंसिडेंट देखा और इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में सॉरी, हमने माँ बेटी का जो इंसिडेंट देखा, तो हमें लग रहा है कि उसके बाद में जो ज्योति नाम की लड़की थी जो अपने पिता को नोएडा से दरभंगा ले गई, उसके साथ में भी काफ़ी बलात्कार की चीज़ निकल के सामने आ रही। मैंने कहीं पर फोटोग्राफ्स देखे थे, हालांकि मीडिया में इस तरह की खबर नहीं है। बहरहाल ये चीज़ हम देखते हैं कि पुलिस इज नॉट इन एक्शन। ऐसा सब होने के बाद पुलिस एक्शन में नहीं है, पुलिस कोरोना को कम करने की बजाय पुलिस अपनी उगाही में लगी हुई है, पुलिस अपने पैसे निकालने में लगी हुई है। हम देखते हैं कि यूपी के जो 2017 में जो सरकार बनी यूपी की, उसमें 312 विधायक में से 114 विधायक जो है वो उन पर एकदम जघन्य अपराध है, 85% हो गया लगभग, तो एकदम जघन्य अपराध के तहत विधायक है यूपी के। जब विधायक ही ऐसे है, जब पुलिस ही ऐसी है, और यूपी में तो आप देख रहे हैं पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। विकास दुबे वाले केस में आपने देखा 8 पुलिस वालों की कैसे दिन दहाड़े बिल्कुल उनको गोलियों से जख्मी किया गया। तो आप समझ लीजिए कि जब सरकार पुलिस को संभाल नहीं पा रही है, कोरोना का ढंग से इलाज नहीं कर पा रही है, कोरोना मैनेजमेंट खराब है, पुलिस को संभाल नहीं पा रही है, तो हमें क्या संभालेगी। ऐसे ही हर जगह पे सीन चल रहा है, जहाँ जितनी आप रिसर्च करोगे उतने आपको नए नए मैटर दिख के सामने आए, अखबार बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं खबरों से। आप देखिए कभी, मैं तो आपको बहुत शॉर्टकट में बता देती हूँ, कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें बता देती हूँ। अखबार आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन अखबारों में पड़ी हुई खबरें आजकल कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जा रही है। हर तरह की खबर जो है आपको अखबार में मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इतना तरह, अगर 114 विधायक, 312 में से 114 विधायक की अगर जघन्य अपराध, मर्डर और बलात्कार के विधायक रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं मतलब। और उसके बावजूद भी कुलदीप सिंह सेंगर और शिखर अग्रवाल टाइप के जो शिकारी है, जो मर्डरर्स है, उनको बड़े बड़े तख्तो ताज उनको मिलते हैं, हथियारों को बड़ी बड़ी कुर्सियाँ देते हैं, बड़े बड़े सिंहासन तख्तो ताज दिए जाते हैं, और वहीं पर विकास दुबे को जो है बाहर घूम रहा है, और पत्रकार जो है दूसरी तरफ देखे वहीं पर, तो पत्रकार जो है उनको बेवजह के मुकदमों में अंदर फंसाया गया है। कुछ पत्रकारों के नाम आपको पता होंगे जो बहुत पॉपुलर है, जैसे हमारे रवीश पांडे जी है, जिन्होंने पीपी किट्स के बारे में बताया था, पीपी किट्स को चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, तो उन पर एक बहुत खतरनाक मुकदमा लगा दिया है सरकार की तरफ से कि आपने पीपी किट के फर्जी होने की आपने कैसे ये खबर आपने चला दी। उसके बाद प्रशांत कनौजिया ने एक छोटी सी खबर सरकार के खिलाफ बना के, जो खाना वाना जो चूहे और चूहों की उछल कूद जो खाने में उनको नज़र आई थी उसको चलते, और उन्होंने छोटी छोटी क्लिप्स कुछ फेसबुक पर डाली थी, तो प्रशांत कनौजिया के खिलाफ भी अच्छी खासी कार्रवाई जो है पुलिस के थ्रू की जा रही है। मतलब पुलिस को मशीनरी की तरह यूज़ किया जा रहा है जनता को डराने, धमकाने, उकसाने के लिए। उसके बाद नोएडा में पत्रकारों पे एक गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है नोएडा में, पता नहीं क्या पत्रकारों से इन लोगों को परेशानी है, क्योंकि पत्रकार अगर सच बोलते हैं तो सबसे बड़े गुनहगार सरकार के होते हैं। अगर सच बोला जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर झूठ बोला जाए और गलत लोगों के सहारे से जिया जाए तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है। यही हालात कुछ हमारे देश में हैं पिछले कुछ वर्षों से। अगर हम सच कहेंगे, अगर हम सच के साथ रहेंगे, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। अगर हम सच्ची बात लोगों से शेयर करेंगे तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप भेड़ चाल में चलेंगे और आप अगर विद्रोह नहीं करेंगे, आप अगर मुकाबला नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो आप दुनिया के सबसे बेस्ट जो है सिटीज़न माने जाएंगे इस धरती पे, दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन जो है आपको माना जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगी, मुझे जो विद्रोह करना है मैं करूँगी, और अभी भी मैं वही कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं मिर्ज़ापुर में देखते हैं कि नमक रोटी जो है मिड डे मील में दी जा रही थी, और मिड डे मील में आपको सच्चाई सबको पता है कि चूहे, कॉकरोच और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो मिड डे मील में, जो वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े जो अनाज में पैदा हो जाते हैं मिड डे मील में, लगभग सभी राज्यों में जहाँ भी मिड डे मील मिलता है, बिहार में भी मिलता है, एमपी में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, झारखंड में मिलता है, जितने भी मिड डे मील के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें देखा जाता है कि जो ये जिस तरह से कॉकरोच और कीड़े निकल रहे हैं बहुत ही आम चीज़ है, जिसके लिए पवन जायसवाल जी ने आवाज़ उठाई थी। ये भी बहुत बड़े पत्रकार रह चुके हैं अपने समय के, पवन जायसवाल जी को के खिलाफ भी एक कड़ा मुकदमा लगाया गया है। उसके बाद बिजनौर में पाँच पत्रकार जो थे वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, वो जो उनकी जो टीम थी बहुत अच्छा काम करी थी, पाँच पत्रकारों के खिलाफ जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का उनके खिलाफ जो है मुकदमा लगा दे, कुछ नहीं मिला तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का लगा दिया है। जबकि
मतलब ऐसा देखा गया है कि इनके खुद के जो विधायक है, जो बागी विधायक है इनके खुद के, ये खुद की सरकार के बारे में नहीं बोलते। हरदोई में एक श्याम प्रकाश जी है, उन्होंने बताया है कि मतलब सरकार जो है, विधायक जो है बेकार है और सरकार जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, समय से काम नहीं चल रहा है, समय से बैठकें नहीं चल रही है। वो खुद बता रहे हैं, अपनी बुराई खुद करे सरकार। सीतापुर में जो राकेश राठौर जी है, उन्होंने काफ़ी सरकार के बारे में जानकारी दी। उनके खुद के विधायक जो है, बीजेपी के विधायक जो है, वो विधायक जो है खुद इनके कब्जे में नहीं है। और जो है, जो मतलब ईमानदार लोग है वो खुद भी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला तैयार नहीं बैठा है, कहने का मतलब है। तो विधायक खुद कह रहे हैं, जब जो कुछ मैंने बताया आपको, कुछ 15% 10% कुछ अच्छे विधायक हैं, उनकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है, सुना नहीं जाता है। सुबोध सिंह जैसे एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर को जो है बिल्कुल शहीद कर दिया जाता है, वो भी एक आवारा लफंगे गुंडे के द्वारा, और सरकार चुप बैठी रहती है। उस शहीद के को न्याय दिलाने के लिए, सुबोध सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए सरकार का रवैया जो है बहुत ढीला और बड़ा बेरुखा सा है, बड़ा रिलक्टेंट सा रवैया जो है सरकार का है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वास्तविकता जो मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोज़ में, वास्तविकता की जो मैंने रिसर्च की है, जो मैं रिसर्च आपको बताना चाह रही हूँ। राजस्थान में आप देख रहे हैं सरकार गिराने के लिए किस तरह से सचिन पायलट जी को अपने खेमे में लेने की जो है पहल जो है बीजेपी सरकार ने की है, लेकिन शायद बाजी उल्टी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत जी जो है वो काफी स्मार्ट प्लेयर जो है समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं पॉलिटिक्स में, जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं पॉलिटिक्स में और यही सब भाषणबाजी के। तो अशोक गहलोत जी काफ़ी स्मार्ट प्लेयर है, जिनपे मीडिया का काफ़ी खासा रूखा रवैया देखने के लिए आ रहा है। और अब मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी, एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले में क्या आता है उसके बाद में मैं आपको इस पर पूरा एपिसोड बताऊंगी कि वास्तव में पूरा एपिसोड क्या है, और आप उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि यूपी की जो लचर व्यवस्था है और या बिहार की जो लचर व्यवस्था है, उसके चलते यू नो शेल्टर होम में या अनाथ आश्रम में भी लड़कियां जो है सेफ नहीं है। लड़कियां जो है, अब बाराबंकी की घटनाएं देख लीजिए आप, लकीरपुर में देख लीजिए, महिलाओं के मतलब रेप के, बलात्कार के, और महिलाओं को मारने के, और महिलाओं को पब्लिकली एक्सप्लॉइट करने के, महिलाओं को पब्लिकली बेइज्जत करने के जो कारनामे हैं, वो भले ही कितनी भी बड़ी पुलिस वाली से लेकर तो, पत्रकार से लेकर तो, मतलब हर एक साधारण महिला तक के जो जो कांड आ रहे हैं यूपी में, वो मतलब यूपी पटना में बहुत आम हो चुके हैं, बहुत 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 आम हो चुके हैं। मतलब कहीं पर भी महिलाएं सेफ नहीं है, या सेफ रहती है भी तो उनकी घर में ही बेइज्जती की जा रही है, या वो क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। और पुलिस जो है एक मशीनरी की तरह बनी हुई है, बैठी हुई है पैसों की लालच में, टुकटुकी लगाए बैठी हुई है ऐसे, और बिल्कुल सोचने समझने को तैयार नहीं है, और महिलाओं के सेफ्टी के लिए तैयार नहीं है। पुलिस सोचती है कि जहाँ से पैसे नहीं मिलते वो काम हम क्यों करें, अगर हमें पैसे की उगाही नहीं हो रही तो हम क्यों महिलाओं की रिपोर्ट लिखें, हम क्यों महिलाओं के बारे में ध्यान दें, हमें पैसे की उगाही होगी तब जाके हम कुछ काम करेंगे। तो ये पुलिस ने अपना एकदम पक्का मन बना लिया है। जो मैं आपको बता दूं कि पुलिस को जब तक पैसा सामने से नहीं दिखता है, जब तक पुलिस की लार नहीं टपकती, जब तक आइसक्रीम नहीं नजर आती है पुलिस को, तब तक पुलिस कोई काम नहीं करती है। पुलिस तभी काम करती है जब उनको नेता के इशारे पर नाचना होता है, या किसी नेता की सेवा चाकरी करनी होती है, या दिखाना होता है, या कोई मेडल लेना होता है कि कोरोना में हमने बहुत काम किया, तभी शायद पुलिस भी करती है। मेरा भी एक दो बार वास्ता पड़ा है पुलिस से, तो पुलिस उसी समय काम करती है जब आप पुलिस को पैसे दे दें आगे से चल के, या आप बहुत ही मतलब किसी नेता बेता से रिलेटेड हो, किसी पार्षद या सांसद से रिलेटेड हो, तभी आपकी कोई बात सुनी जाती है। वरना पुलिस को किसी भी महिला के शोषण में, किसी भी महिला के बलात्कार में या रेप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कभी कत्ल हो जाए आपका तो फिर देखेगी पुलिस, उसके बाद में देखेगी पुलिस की क्या कर सकते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को जो है कार्रवाई करने के लिए पुलिस को क्या है, मतलब पुलिस तो क्या कार्रवाई करेगी, सरकार को कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए 4.5 साल लग गए। मतलब सरकार पहले सोचती है, समझती है, फिर अपने सारे फायदे सारे मतलब निकलवा लेती है सामने वाले से, उसके बाद जाके अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक में विद्रोह हो तब जाके बलात्कारियों के खिलाफ जो है सरकार काम करती है, बीजेपी सरकार बेसिकली काम करती है, वरना फिर कुछ नहीं। ठीक है, ऑल इज़ गुड। मतलब सबसे पहले जो मतलब मुजफ्फरनगर की जो खबर घटना मैंने आपको बताई, मुजफ्फरनगर कानपुर और
मैंने एक दो आपको शहरों की घटनाएं बताई थी कि किस तरह से लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई कोरोना के शिकार। अभी वो लड़कियां बाहर तो जा नहीं रही है, कोरोना कैसे लगा उनको, समझ रहे हैं। सबसे पहले जो बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने सबसे पहले अपने सारे मतलब साध लिए, अपने बिजनेस फ्रेंड्स को, फैमिली फ्रेंड्स को पक्का कर लिया उन्होंने, अपने 1400 करोड़ के जो है 1400 करोड़ या कुछ 1350 करोड़ का उन्होंने सबसे पहले 1.7 लाख स्क्वायर फीट का जो उन्होंने अपना कार्यालय, भव्य कार्यालय उन्होंने बनाया, जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में इतना 1.7 लाख स्क्वायर फीट का इतना भव्य कार्यालय जो है किसी भी पार्टी के पास नहीं है, जो नोटबंदी के फौरन बाद बनाया। उसके बाद में आप देखेंगे कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में शुरू की थी, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, उसके बाद में अब जो है गोल्ड मोनेटाइज स्कीम जो है वो जसवंत सिन्हा ने शुरू की है। तो इस तरह से जो है पूरा पैसा जो है उन्होंने, नोटबंदी हो गई, इस तरह से सारा पैसा, सारा सोना जो है जनता से लेके अपनी जेब में सरकार ने रख लिया है। और बैंकों में आप रखेंगे तो पता है बैंक सेफ नहीं है, तो आप थोड़ी अपनी बैंक की जांच पड़ताल जरूर कर लें। उसके बाद में आप देखेंगे कि निर्मोही अखाड़ा ने जो है 16 नवंबर 2016, मैंने रिसर्च तो की है, मुझे आई एम बी रॉन्ग विद द 16 नवंबर 2017 में निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पे ये आरोप लगाया था कि इन्होंने जो है भगवान के दान में आए हुए जो 14 करोड़ रुपए जो है वो गबन कर लिए, वो कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, वो अभी तक पता किसी को भी नहीं है। तो ऐसी ऐसी पार्टी जिस भगवान की जो जो दान दक्षिणा पर भी जिनकी नियत रहती है और बस इलेक्शन जीतने पे जिसका ध्यान रहता है, गरीबों को जो है सड़ा हुआ अनाज खिलाते हैं, मिड डे मील में बच्चों को जो है 1% भी प्रोटीन नहीं मिलता है, और कीड़े मकोड़े और कॉकरोच से काम चलाना पड़ता है, अस्पतालों में मरीज को चूहा खाना पड़ता है, तो ये सब क्या चल रहा है, पत्रकार आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, यंगस्टर्स बात नहीं कर सकते हैं, तो ये किस तरह का माहौल चल रहा है, ये मूर्खों को समझने की ज़रूरत है कि क्या 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 कोरोना काल में अपने क्या अपनी सरकार से मदद ली और आपकी सरकार ने आपका क्या ध्यान रखा। ये तो ऐसा है कि मतलब आपको मरना है तो मरो, आप आत्मनिर्भर रहो, आत्मनिर्भर बन बन के आप मर जाओ, जिस दिन आपकी अर्थी निकलेगी उस दिन सरकार जो है आपकी अर्थी के लिए सिर्फ लकड़ियाँ दे देगी, या आपके ऑर्गन्स को निकाल के, आपके ऑर्गन्स को निकाल के आपको प्लास्टिक की थैली में डाल के आपको हाथ भी, आपके रिलेटिव्स को हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा आपकी लाश को, और ऐसा ही कुछ मातम जो आपके घर वाले मनाएंगे उसी दिन शायद आपका जो है मोह माया जो है या आपकी जो आपके दिमाग पे और जो धूल मिट्टी चढ़ी हुई है आपकी आंखों पे जो पट्टी चढ़ी हुई है वो तब शायद उतरेगी। तो समय रहते ही मौका है, सुधर जाइए, संभल जाइए और मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए, मैं चाहूँगी ऐसा, आगे आपकी मर्जी है, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए और वास्तविकता को समझिए, बाहरी तौर पर ना जाइए, कहां सुनी पे विश्वास ना कीजिए।